औरत जब फारिग होने लगती है तो मर्द की तीन चीज़ें पकड़ती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, बाज़ मर्द हम बिस्तरी के दौरान औरत के फारिग होने के मुंतज़िर होते हैं, क्योंकि औरत और मर्द की जिंसी तस्कीन फारिग होने से जुड़ी होती है और एक दूसरे की शर्मगाह में हम बिस्तरी करते वक्त दोनों का पानी निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से मर्द और औरत दौरान हम बिस्तरी पूरी लज्जत समेट सकते हैं। और हर मर्द ये जानने की कोशिश में होता है कि औरत फारिग कब होती है और फारिग होकर पानी छोड़ने के बाद क्या हरकत करती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरत जब फारिग होने लगती है तो मर्द की तीन चीज़ें पकड़ती है। नंबर एक, कमर। जब औरत फारिग होकर अपना पानी छोड़ती है तो मर्द को कमर से कस कर पकड़ लेती है, क्योंकि उस वक्त औरत का जिस्म बेजान हो जाता है और औरत को बेहद जिंसी लज्जत मिल रही होती है, जिसकी वजह से औरत मर्द की कमर को पकड़ लेती है ताकि मर्द को अंदाज़ा हो सके कि औरत पानी छोड़ चुकी है। नंबर दो, टांगों में जकड़ना। जब औरत फारिग होने लगती है तो मर्द को अपनी टांगों के दरमियान जकड़ लेती है, क्योंकि उस वक्त औरत मर्द को अपनी शर्मगाह में झटके मारने से रोक देती है और मदहोश होकर मर्द के नीचे लेटी रहती है। उस वक्त औरत की जिंसी तस्कीन पूरी हो जाती है। नंबर तीन, बालों से। जब औरत फारिग होकर अपनी शर्मगाह को गीला कर लेती है तो औरत मर्द के बालों से पकड़ लेती है और मर्द के बालों को खींचना शुरू कर देती है, या औरत मर्द के बालों में उंगलियां फेरना शुरू कर देती है, जो औरत की तरफ से मर्द को इशारा होता है कि उसने मर्द से भरपूर लज्जत हासिल कर ली है।